दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। आज है डे टू। आज मैं अमजद भाई के पास वापसी आया हूँ गाड़ी लेकर। अमजद भाई कर रहे हैं यहाँ पर गाड़ी की घिसाई। इनके पापा ने तो बढ़िया करके एकदम बराबर कर दिया था, लाइन वन मिला दी थी। यहाँ से सारा काम शुरू होता है भाई का। बाकी छोटी मोटी जितनी भी इम्प्योरिटीज है ना, ये हमारे भाई है जुबैर, ये निकालेंगे। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? बॉडी बिल्डर को जल्दी जल्दी सुखाता है, बोले तो हार्ड ना रहे। ओके सो लेट मी टेल यू वन मोर स्टोरी। एक दिन मैं गाड़ी लगा रहा था और गाड़ी लगाते हुए ना एक पत्थर आया गाड़ी के नीचे। उसे फंसने के बाद ना बम्पर फट गया साइड से। ऐसा नहीं हुआ कि फिजिकल डैमेज दिख रहा हो, लेकिन हाँ बम्पर लाइनिंग से बाहर हो गया। तो फिलहाल ना हम प्लास्टिक बम्पर की रिपेयरिंग करवाने जा रहे हैं अमजद भाई और मैं, और हम जाएंगे इमरान के पास। पुरानी वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपने इमरान को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देख लेना। भैया चलते इमरान के पास, प्लास्टिक बम्पर की को रिपेयर करवाएंगे। मैं चेंज यू नहीं करवाना चाहता क्योंकि बम्पर लगते ही रहते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तब तक तो फायदा नहीं है जब तक बम्पर के सारे नक्के नुक्के टूट टाट ना जाए। ऊपर से जब वो पूरा खत्म ना हो जाए तब तक तो फायदा नहीं है। नीचे तो तुम उसे अच्छा जितना मर्जी लटका। दरअसल अब ये टांके वाले काम को करने के लिए ना ये काइंड ऑफ मशीन है जो हीट फेंकती है। अब देखो भाई, किसी का बम्पर अगर टूट जाए ना एक बार को तो यहाँ आ जाना, मिलेंगे मेहंदी भाई, दुकान है इमरान की, दो चार बंदे और मिल जाएंगे आपको। वैसे कुछ इस तरीके की भाई ये लगती है, इसके अंदर प्लास्टिक प्लास्टिक सी, हीट मार मूर के इसे ढंग से चिपकाया जाता है। और भाई ने बोला ये कामयाब हो जाएगा, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं हो रहा होता तो मैं कहता था भाई चेंज ही करा ले, पहले इसे हल्का हल्का हम हाथ चिपकाएंगे। चलो भाई, बम्पर वेल्ड का काम भी हो गया है। ये रही इमरान की दुकान, दुकान का पोस्टर, और भाई ने मुझसे खड़े लिए 200 रुपए, जो कि बहुत जायज लगे मुझे। उसका रीजन क्या है? पहला, एयर कंप्रेसर चलता है। दूसरा, दुकान की बिजली इस्तेमाल होती है और बिजली कमर्शियल मीटरों पे सस्ती नहीं होती। तीसरा, अगला बंदा अपना हाथ जला रहा था। चौथा, टाइम लगा रहा था। 200 रुपए में उसने मेरे 2200 रुपए बचा दिए और उसने मेरा बम्पर एकदम ठीक कर दिया। बस अगले बम्पर पिछले बम्पर हर जगह हो सकता था कि बम्पर रिपेयरिंग वाला पार्ट तुम नहीं देख पाते, तुम जाकर बम्पर ले आते, कोई तुम्हें बेवकूफ बना सकता था। और बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही चलेगा। इंश्योरेंस में देने के बाद 10 दिन वेट करो, फिर गाड़ी कब जाएगी कब आएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ तैयार हो और मेरे हिसाब से तैयार हो, इसलिए मैं ही गाड़ी धोता हूँ, मैं ही तैयार करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए पुरानी एक वीडियो थी, पता नहीं आपने देखी हो ना देखी हो, जिसमें मैंने 70 मैट लगाए थे बाय एलिगेंट ऑटो। गिरे मैट यहाँ लगे हुए हैं। इन 70 मैट की बस एक बुराई है, फ्लोरिंग करके फिर 70 मैट लगाओगे ना तो परेशान हो जाओगे, फिटिंग करने के लिए बिठाना पड़ेगा बार बार, और वैक्यूम रखना बहुत जरूरी है। धो दिए तो कम से कम 1-2 दिन तक निकाल कर अलग रखने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने धो दिए थे। अब मैट पीछे बिल्कुल आड़े टेढ़े ऐसे उल्टे सिलटे पड़े हुए हैं। अब तसल्ली से काम कर रहे हैं वहाँ लगे हुए अमजद भाई, वो घिस रहे गाड़ी को। रिसेंटली एक इंसिडेंस होते होते रह गया हमारे साथ, पता नहीं क्या था, लेकिन पार्किंग में हम खड़ी करते हैं गाड़ी। अब होता क्या है, पार्किंग में खड़ी खड़ी गाड़ी की एक तो ना ये जो साउंड ब्लास्टर की डलवाई थी वायरिंग, ये वायरिंग गई है जल, मे बी हाई आउटपुट की वजह से। तो सुन, इसके ऊपर थोड़ा हमने कराना है काम ऑडियो के ऊपर। दूसरा क्या था कि ECM की वायरिंग काट दी, ECM भी यहीं का यहीं रह गया, वायरिंग भी यहीं की यहीं रहेगी। डेंट निकालने का, इतना प्यारा डेंट निकाला ना पूछो मत। और भाई ने अब घिसाई का काम जब कर दिया ना चालू, उसके बाद ना फिनिशिंग ला दी, ऐसी बात नहीं। मैंने सोचा नहीं था ऐसी कलाई वलाई वापसी बनेगी, मुझे लगा डोर चेंज होगा। अच्छा, अब इसके बाद हो चुका है सारा का सारा पट्टी का काम डन, ग्रे वाली पट्टी भी हो चुकी है जो स्मूथनिंग वाली होती है। हम चलते और पेंट लेके आते हैं। वैसे बाद में वंस अगेन हमें बालाजी पेंट्स, ये हमारे मान भाई जो लुलुपैथी वाला पेंट नहीं बनाते। ये ऐसा लग रहा है जैसे से पढ़ाया जा रहा हो, चल पढ़ाते ना मैथ के सवाल। मुझे पता है बहुत से लोग नए होंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो जानते होंगे कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ये कर रखी है कवर। फिर भी बता देता हूँ, हर डब्बा 10-10, 15-15 हज़ार रुपए का है, ठीक है। ये वाला इनकी बात करूँ तो गलत तो नहीं कह रहा, ML उठा उठा कर कलर मिलाया जाता है, बनाया जाता है कलर कोड बनाने के लिए। ये बुक है पूरी कंप्यूटराइज बनी हुई,
हुंडई फॉर्मूला, इसके अंदर एक एक चीज़ होती है कि भाई अगर सैफायर ब्लू बनाना है कैसे बनेगा, या फिर पोलर वाइट बनाना है तो कैसा बनेगा, उसकी कौन कौन सी क्वांटिटी लगेगी। ये वेटिंग स्केल एक एक ग्राम नाप देता है। मान भाई कलर मैच करते हुए वैसे टिंटर होते हैं सारे के सारे। ये कोई अप हो जाता है तो उसको डाउन करने के लिए, अगर पीला ज्यादा हो गया तो ब्लैक करेगा, अगर ब्लैक ज्यादा हो गया तो पीला करेगा। हर कलर के अकॉर्डिंग ये टिंटर होते हैं, हर कलर को डार्क और लाइट करने के लिए आप फाइन ट्यून करना होता है उसको। ये इस पीस से कलर मैच करके देख रहे हैं कि एक्चुअली बनता हुआ कलर और पुराना कलर सेम मैच करता है या नहीं करता। ईमान भाई ने कर दिया मैच कलर। इनकी वैसे दुकान पड़ती है सेक्टर 23 द्वारका के अंदर। हम जो काम कराते हैं इस भाई से वो है सेक्टर 9 के अंदर। ये सारा आने जाने लाने वाने का काम सारा इसी का ही होता है। अब हमने भाई दरअसल ले लिया है कलर कूलर इसका, लोकल कोड भाई ने कहा को नेरोलैक इस्तेमाल करेंगे, वो घर वाला नहीं कार वाला भी नेरोलैक आता है, बर्जर भी आता है, पट्टी पुट्टी हर एक एक आइटम नेरोलैक बर्जर भी इन सारी चीजों की सप्लाई करती है। सबके बाद ना भूख लग रही है, अब जाएंगे कुछ खाएंगे हम। चलो चलते है भाई, चलते और खाते हैं और क्या। बस अब कुछ क्षणों की बात है, तब तक हम खा लेते हैं खाना। हमें सेक्टर 9 द्वारका खा रहा हूँ मैं चूरचू नान, और मैं कर रहा हूँ इनके साथ ना क्या बोलते हैं उसे भेदभाव। ये खा रहे हैं दोनों के दोनों आलू नान और मैं खाऊंगा चूरचूर। चलो भाई खाना पीना हो गया डन, अब चलते हैं। भाई हमारे यहाँ काम करते हुए ये दर्शक ये भाई फाइनल कोड में लाते हुए इसकी फाड़ेंगे ऊपर। जो काली छत है वो बुरा है, पर कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। मेरे पास एक चॉइस और थी, मैं इस पूरे बम्पर को उतरवा कर भी करवा सकता था, लेकिन उसके अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज बच जाती, थोड़ी गाड़ी के अंदर से सफाई। छोटा बड़ा कोई भी काम करवा रहे हो, पेंट करवा रहे हो, उसके बाद मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अपनी गाड़ी को बहुत सही ढंग से इंटीरियर और एक्सटीरियर से क्लीन करवा लो, ताकि कम से कम फिर आपको प्रॉब्लम ना हो गाड़ी की गंदगी को लेकर, डस्ट को लेकर, या फिर केमिकल जो होते हैं हमारे पेंट के उनको लेकर। फाइनल हमारा बम्पर है। ओरिजिनल पेंट के अंदर तुमने मिलाया था हार्डनर, हार्डनर और थिनर, बस इसमें क्लियर कोट नहीं मिलाया है। ऑलरेडी पोलर व्हाइट कलर का जो कोड है वो कोड ही कुछ ऐसा है। देखो कभी भी ओरिजिनलिटी के साथ अगर पेंट करने की बात आए, मैं हमेशा क्यों कहता हूँ किसी एक्सपर्ट की राय लेने की या फिर उसी से काम करवाने की, क्योंकि ऐसे में किसी पेंट के ऊपर क्लियर कोट लगता है, किसी के ऊपर नहीं लगता है। सर का काम तो बढ़िया हुआ है, अब पूरी गाड़ी रबिंग करवाऊंगा, कती है इसलिए हमने छत भी फाड़ दी। कुछ नया ट्राई करेंगे छत के ऊपर, कुछ नया अलग तरीके की कोई फिल्म बनाएंगे, कुछ करेंगे। पर पीस का 1200 रुपए भाई ने चार्ज बता रखे, ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है, नंबर भाई का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा। मेरे लिए तो ऑलमोस्ट सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन स्टिल आई हैव टू पे, देयर इज नथिंग स्पॉन्सर गाइस, काम है
इनकी मेहनत है तो वो करवाना पड़ता है। हाँ बस मेरे लिए थोड़ी बहुत गुंजाइश कर लेते हैं, लेकिन हाँ मैंने आपको रेट बता दिया है। एक चीज ये बता दूं, 1200 रुपए के अंदर डेंट निकाल कर देते हैं। अगर डेंट हो रखा है गाड़ी के अंदर तो लेट सपोज फूटी फाटी पड़ी है, डेंट है, तो वो ये निकाल कर देंगे। लेकिन अगर गाड़ी का बम्पर, लेट सपोज बम्पर टूटा हुआ है या फिर कोई वेल्डिंग वर्क है, तो वो चार्ज इंक्लूड होंगे या फिर आप करवा के दोगे। डेंटिंग और पेंटिंग का जो काम होता है वो पर पीस 1200 रुपये होता है। चाहे आपकी गाड़ी के अंदर एक डेंट हो चाहे पांच डेंट हो, उस पर्टिकुलर कॉर्नर के अंदर पीस, कोई पीस चेंज करना है, काटना है, तो वो अगर वेल्डिंग मांगता है, लेट सपोज बम्पर टूटा फूटा पड़ा, जैसे मैंने अपनी गाड़ी के अंदर बम्पर रिपेयर करवाया था, तो वो पैसे मैंने पे करे थे, वो इनकी हेडेक नहीं होती। और लेट सपोज कि कोई कार के अंदर वेल्डिंग का काम है, वेल्ड करना है, कोई चीज़ अलग से काट के लगानी है, तो वो पैसे भी मुझे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, इनका काम है डेंटिंग और पेंटिंग, कलर मैच करवाना, ये सारे काम सारे इनके होते हैं। गाड़ी तो वैसे इस सब के बाद तैयार है, मुझे अब कोई देर नहीं लगनी चाहिए कि इस गाड़ी को मैं यूज़ कर सकूँ रोड के ऊपर। लेकिन हाँ, इसके बाद अगर सारी गाड़ी को आप इक्वल करवाना चाहते हैं तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ अपने आप से, यानी मैं एक एडिशनल सर्विस लेता हूँ भाई से, कि पूरी गाड़ी को रबिंग कर दो ताकि सारा पेंट एक सा हो जाए। तो उसके थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, अराउंड 1000 रुपये के आसपास। 1000 रुपये तो मेरा चार्ज है, अब तुम अपना देख लेना बात करके। नंबर डिस्क्रिप्शन में भाई का, बात कर लेना। भाई उतार रहे मास्किंग और हम चलते घर को, चलो। देखो भाई, आप चाहे कहीं और से करवा रहे हो काम, लेकिन यही कहूंगा कि बम्पर पिछले कभी भी 100% मैच नहीं होंगे। लेकिन हाँ, ये जो काम मेरे पास हुआ है ये सेटिस्फैक्टरी काम हुआ है, काफी हद तक बहुत अच्छा काम करा है भाई ने। और इसका पेंट यहाँ पर मैच कर सकते हो, ये करा हुआ पेंट है, ये नया पेंट, अगर आप जस्टिस कर सकते हो। और ये बेसिकली बना हुआ आता है, तैयार हुआ आता है, ये कोड इसके अंदर डालेंगे और ये तैयार हो जाएगा। इधर की तरफ ना ये घुसा पड़ा था अंदर को, तो ये भाई ने निकाल दिया। ये सब इसी के अंदर इंक्लूड है। जो मैंने ये बम्पर पेंट कराया, ये एक पीस था, दूसरा दरवाजा और तीसरा रियर बम्पर। तो ये हो गया यहाँ तक का काम। अब इसके बाद हम आपको मिलेंगे सीधा रबिंग वाले दिन, तैयार करेंगे फिर गाड़ी की दिखाएंगे फिनिशिंग। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। मेरा एक दोस्त था, पता, जुबेर, मैंने बचपन में बहुत मारा था उसे। ये किनारा बड़ी मुश्किल में बनेगा, है? बना के दिखाऊंगा, जेन्युइन बिल्कुल, 0-0। यहाँ पहले देखा जाएगा ऐसे करके, हाँ ठीक है, नहीं है ठीक है। ये फेंकती है भाई, हीट फेंकती है ना बस ये, या कुछ और भी फेंकती है? ये देखो, इन भाइयों का 1 करोड़ का चलान करते कोई, मैं तो बस ये चाहता हूँ, मैं तो इतना खुश हो जाऊंगा ना आज से ही ज्यादा। चल ठीक, आ रहा हूँ, काला तो नहीं आ रहा? नहीं। और दोस्तों आज है 1.5वां दिन, 10 दिन तुम्हारे में दे दूंगा। और भाई नाम दे दे यार। अब हमने भाई ले लिया है दरअसल। अरे यार, किसको फोन लग गया? पहला साउंड सा कुछ कनेक्ट तो हुआ है मेरा, कहीं और हो गया होगा वो, कार बैठी किसी और गाड़ी में बज रहा हूँ। ये ना तेरे नाम की जुल्फे कटवा लो, तुम्हें बता रहा हूँ। बस रबिंग करवाते हैं, गाड़ी को चमकवाते हैं, धुलवाएंगे। हैं रबिंग, रबिंग क्या करा? क्यों? अरे चले जाओ, रबिंग कराओगे, एक चीज रबिंग होना है। पूरी गाड़ी कराओगे? और क्या, पूरी गाड़ी की होगी रबिंग। मजाक नहीं करा, पूरी गाड़ी की 2 दिन बाद होगी पूरी गाड़ी की रबिंग एकदम। कल भी हो जाएगी? कल भी हो जाएगी, कल नहीं आऊंगा ना, कल मेरे को काम है। कल नहीं, कल मेरे को काम है, कल नहीं आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा।